हैं जिसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो अगर आप उन गलतियों को करते हैं तो आज से ना करें, आप देखेंगे कि कल से ही आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। तो तीन गलतियां हैं, गलतियां तो बहुत सारी हैं लेकिन तीन गलतियां आमतौर पर सभी स्टूडेंट करते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते ही नहीं, जिनने पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, वो इस वीडियो को देखना अभी बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं और मन नहीं लगता है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आधी वीडियो देखनी है तो चाहे अभी देखना बंद कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है कि एक ही सब्जेक्ट आपको बार बार नहीं पढ़ना है। अगर एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बार बार उसी को पढ़ रहे हैं रिवीजन के नाम पर, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपका दिमाग बोर्डम फील करेगा, उबाऊ फील करेगा। इस बात को आप उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई चुटकुला आपको पसंद है और आप पहली बार सुनते हैं आपको हंसी आती है, लेकिन दूसरी बार सुनेंगे हंसी कम हो जाएगी, तीसरी बार सुनेंगे और कम हो जाएगी, बार बार सुनेंगे तो फिर वो चुटकुला आपको बिल्कुल बेकार लगेगा। कोई फिल्म आपको बहुत पसंद है, आप एक ही फिल्म को बार बार देखेंगे, एक ही दिन में कई बार देख लीजिए, क्या देखने का मन करेगा? नहीं करता। ठीक ऐसे ही पढ़ाई भी है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को या एक ही चैप्टर को बार बार पढ़े जा रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपका मन उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, बोरियत फील करेगा और धीरे धीरे पढ़ाई से आपका मन हटने लग जाएगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पहली गलती ये है। और दूसरी गलती उससे भी बड़ी है, अगर आप मोबाइल अपने पास रखते हैं पढ़ते हुए तो भी समझ लीजिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मोबाइल पर कोई मैसेज आया, आपने खुद को फ्रेश करने के लिए कि सो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, इस चक्कर में आप मोबाइल उठाते हैं और 5 मिनट की बजाय आपका आधा घंटा एक घंटा बीत जाता है, दिमाग थक जाता है। मोबाइल की लाइट जो आपकी आंखों पर पड़ती है, आपके दिमाग पर पड़ती है, वो असर करती है, दिमाग को जल्दी थका देती है, इस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते। तो जितना हो सके मोबाइल कम चलाएं, अगर चलाना है तो पढ़ाई के दरमियान बिल्कुल नहीं चलाना, एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल चलाना बंद कर दीजिए, बहुत कम चलाइए, ना के बराबर चलाइए, पढ़ते हुए मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखना है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम समझते हैं कि इससे बड़ी गलती स्टूडेंट कुछ नहीं करते, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश कर दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे दबाकर साथ में घंटी का बटन दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फ़ायदा ये होगा कि हमारी वीडियो टाइम टाइम से आप तक पहुंचती रहेगी, आपको मदद मिलती रहेगी। तीसरी गलती ये है कि आप रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालते। अपना टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, क्योंकि अनुशासन ही आपको पढ़ाई में आगे लेकर जाएगा। और टाइम टेबल को अगर फॉलो नहीं करते हैं और रिवीजन का टाइम अगर नहीं निकाल पाते तो आपका पढ़ना जो है बेकार हो जाएगा, जो भी पढ़ेंगे वो याद नहीं रहेगा, आप एग्ज़ाम टाइम में भूल जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर में भूल जाएंगे। भूलने की सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप टाइम टाइम से रिवीजन नहीं करते। अगर आप टाइम टाइम से रिवीजन करते रहें तो आप देखेंगे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको समझ भी आता जा रहा है, याद भी होता जा रहा है और अच्छे से आपके दिमाग में बैठता जा रहा है, आप उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहे तो। क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, पढ़ा हुआ याद भी रहना चाहिए, एग्ज़ाम में लिखना भी है, तो उसके लिए आपको रिवीजन का टाइम मैनेज कर चलना पड़ेगा। इन तीन तरीकों का आप इस्तेमाल करिए, तीन गलतियाँ ये स्टूडेंट करते हैं। क्या आप करते थे, क्या आपको पता थी, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए।